आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो आज जुम्मा है और हम निकले हैं एक फैमिली डिस्काउंट। एक बहुत अच्छी शॉप है यहाँ पर, वहाँ सारी घर की नेसेसिटीज़ मिलती हैं, बहुत अच्छी फैंसी चीज़ें भी मिलती हैं, तो वहाँ का टूर करा देंगे। इस हफ्ते की सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी कि जो है वो कराची किंग्स ने वो PSL की ट्रॉफी जीत ली है फर्स्ट टाइम। कराची जीता है भाई, हम तो बहुत खुश हैं। जबरदस्त बिरयानी जो है वो पुलाव के ऊपर जीत गई है। लेकिन बहरहाल लाहौर भी हमारे ही भाई हैं, हमारी इस दफ़ा बहुत, मुझे तो बहुत खुशी है कि लाहौर जो कभी नहीं बिल्कुल बॉटम में रहती थी और वो एकदम सेकंड नंबर पे आ गई। तो इससे पता चलता है कि जब पंजाब वाले किसी चीज़ को अपने सर पे सवार कर लें तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखो ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करते हैं वो। जिस तरह उन्होंने PSL में इस दफ़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और अगर इस दफ़ा तो PSL ऐसा था कि अगर लाहौर वाले जीतते तो मैं सीधी बात दिल से बता रहा हूँ मुझे ज़्यादा खुशी होती। चलो कराची के साथ एक अटैचमेंट है कि हम पैदा हुए हैं वहाँ पर, लेकिन जो मेहनत करके जो ऊपर आए लाहौर वाले तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अगली दफ़ा जो है वो लाहौर जो है वो PSL का चैम्पियन बने इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन मुल्तान सुल्तान भी अच्छे हैं, वो भी नीचे से एकदम ऊपर आए हैं नई टीम के तौर पे। लेकिन मुल्तान, तो मेरी तीन फेवरेट्स हैं इस वक्त, कराची किंग और लाहौर और मुल्तान सुल्तान। आप भी बताइएगा आपकी फेवरेट टीमें कौन कौन सी हैं। वो सरफराज की कौन सी है, कलंदर वो नहीं, ग्लैडिएटर्स। यस, क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और क्या था इस हफ्ते में, हमने वो पूरा वो ड्रामा ख़त्म किया था एलिफ। वो ड्रामा मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत ज़बरदस्त है, कहानी उसकी बहुत हटके है और बहुत ही अच्छी है। मीरे कामिल की राइटिंग का है ये ड्रामा, और मुझे याद है कि जब मैं जिन दिनों में मैं उर्दू सीखने की कोशिश करती थी शुरू में, तो मैंने मुझे बहुत शौक था कि मैं उर्दू नॉवेल्स को मीरे कामिल डाउनलोड करके रखा था, लेकिन कभी पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो उर्दू स्क्रिप्ट में था और मैं मतलब मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त, तो मैंने नहीं पढ़ी, बस डाउनलोड करके रखी। और फिर उसके बाद मैंने फिर रोमन स्क्रिप्ट के उर्दू बच्चों वाली जो कहानियाँ होती हैं वो पढ़ना शुरू किया था उस वक्त। और इस हफ्ते के वो हाइलाइट्स में भी ये भी था कि वो कराची में वो ट्रेन चल रही है, सर्कुलर ट्रेन है, कराची के शहर के अंदर ट्रेन चल गई है, और वो एक मजाया सीन दिखाया था टीवी में। बड़ी कल खबर हमने देखी और हम बड़े हंसे उसके ऊपर कि वो सर्कुलर ट्रेन जा रही थी और उस बंदे ने जो है अचानक उसको दिखा के सब्जी मिल रही है सस्ती बहुत, वो ट्रेन रोक के खड़ा हो गया और उसने सब्जी पहले खरीदी है, फिर वो गया ये आले पाकिस्तान में कि भाई उसने तो बस या टैक्सी समझ लिया कि सड़क पे रोका उसने, और वो जहाँ भी उसको ट्रेन में जहाँ से गुजर रही थी और उसने वो सब्जी और फ्रूट खरीदे, और उसके बाद फिर वो गया किसी बंदे ने उसकी वीडियो बना के डाली है फिर वो खबरों में। तो पाकिस्तान हमें जो है वो बहुत ही यूनिक मुल्क है भाई इस मामले में कि कोई बंदा किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। तो कल रात को मैंने एक लेफ्ट ओवर से मैंने पिज्ज़ा बनाया था, तो सिर्फ एक आइडिया के लिए मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी, तो पहले वो देख लें। और उसके बाद हम जा रहे हैं फैमिली डिस्काउंट की शॉप पे, तो वहाँ का टूर भी करा देंगे। तो ये मैंने पहले कीमा शिमला मिर्च बनाया था, तो उसमें से थोड़ा सा बच गया था, इतना थोड़ा कि हम दोनों का नहीं होगा उसमें से। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब थोड़ा सा खाना बच जाता है और वो सोचते हैं कि इतने से क्या होता है, एक आदमी का भी पेट नहीं भरेगा, तो उसको फारिग करते हैं। तो खाना फेंकने की जगह आप उसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी और चीज़ में। तो मैं अक्सर जब मेरा कीमा शिमला मिर्च थोड़ा सा बच जाता है, तो या तो मैं पराठे में फिल करके कीमा पराठा बनाती हूँ, या फिर इस तरह से पिज्ज़ा की फिलिंग में यूज़ करती हूँ। इस तरह से आप दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके पास थोड़ा सा बटर चिकन बच गया है, या फिर मलाई बोटी, रेशमी कबाब, या कोई भी इस तरह का बोनलेस चिकन का कोई भी सालन, या बोनलेस ना भी हो तो आप उसको श्रेड करके यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ पिज्ज़े में, आप पफ पेस्ट्री में भी
एज अ फिलिंग यूज़ कर सकते हैं, पेटीज़ बना सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप बना सकते हैं उसको फेंकने की बजाय आप उसको एज अ फिलिंग डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपना वो डो फैलाया और उसके ऊपर मैंने पिज्ज़ा सॉस लगाया और उसके ऊपर मैंने जो कीमा शिमला मिर्च थी वो ऐड की और फ्रेश शिमला मिर्च मज़ीद और डाली और प्याज डाला और ये मोज़रेला चीज़, श्रेडेड मोज़रेला चीज़ ये मैं ऐड कर रही हूँ और ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर रही हूँ और ऊपर से मैं थोड़ा सा ज़ातर यानी कि थाइम वो स्प्रिंकल करूँगी, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है पिज्ज़े में। और बस ये बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसको ज़रा सा मैं एक स्पैचुला के ज़रिए उसको प्रेस करूँगी ताकि फिलिंग अच्छी तरह से डो के साथ चिपक जाए और फिर मैं ओवन में बेक करने के लिए ले जाऊंगी और हमारा पिज्ज़ा इस तरह तैयार होगा। हमारा इस तरह से लेफ़्ट ओवर भी यूज़ हो चुका है और हमने फेंका नहीं है, इस तरह से यूज़ कर लिया है फेंकने की बजाय। तो ये बस एक आइडिया था जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना था कि किस तरह आप अपना लेफ़्ट ओवर यूज़ कर सकते हैं फेंकने की बजाय, आप दूसरी चीज़ उससे बना सकते हैं। तो ये फैमिली डिस्काउंट आ गया है और हम अभी अंदर जाने वाले हैं। अंदर घुसने के साथ ही अंदर अबाई लगे हुए होते हैं, अबाई भी होते हैं वहाँ पर और प्लेन कलर के शिफॉन के स्कार्फ्स भी होते हैं और नीचे वाले फ्लोर में सारे बर्तन और घर की चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें, जो सारी चीज़ें कमालियात की दुकान में जो नॉर्मली होती है वो सारे हैं नीचे। और ऊपर यहाँ पर होते हैं फर्नीचर का सामान और इंटीरियर का सामान और कपड़े भी हैं। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। आपको बोल रही कि वो बराबर में बैठ जाए। बहुत अच्छी यहाँ पर ये घर की चीज़ें मिलती हैं, बहुत फैंसी, बहुत अच्छी, बहुत पसंद आई है मुझे और पैसे भी बहुत मुनासिब हैं। और इनका भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पे वो सारी नई चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें आती रहती हैं। बस ये है कि हम जो है वो हम कोई भारी चीज़ें नहीं ख़रीद सकते हैं क्योंकि जिस तरह की सऊदीया के हालात हो चुके हैं, हम कभी भी यहाँ से जा सकते हैं, तो इसलिए हम अब कोई भारी चीज़ नहीं ख़रीद रहे हैं, सिर्फ हल्की चीज़ें ख़रीदते हैं जो हम ले जा सकते हैं जाने के टाइम पे। तो वहाँ पर भी एक पाकिस्तानी थे, वो भी अपने घर वालों को यही बता रहे थे कि जो है वो यहाँ से सिर्फ वो चीज़ें ख़रीद लें जो पाकिस्तान ले जा सके। तो हमने फैमिली डिस्काउंट से सिर्फ ये चीज़ें ली हैं। ये मरियम के लिए हमने ये बेबी शार्क का स्टफ्ड
टॉय लिया है, 25 रियाल का था शायद ये। ये मरियम को बहुत अच्छा लगा तो हमने ले लिया उसके लिए। और हमने ये वॉल मिरर का सेट लिया है और ये था 59 रियाल का। मुझे असल में सिल्वर कलर का चाहिए था लेकिन वहाँ पर सिर्फ गोल्डन कलर का था, और क्योंकि हमारे घर में कोई गोल्डन कलर की कोई चीज़ नहीं थी तो मैंने ये कुशन्स मैचिंग के लिए ली है। ये 11, 11.5 रियाल की थी, दो अदद मैंने ली है। और दूसरा ये वाला है, और उससे मैचिंग हुआ हुआ ये शो पीस मैंने दूसरी शॉप से लिया है, शामिल 5 रियाल का जो कमालियात वाला शॉप है वहाँ से मैंने लिया है। ये भी उसमें अरबी कैलीग्राफी है तो मैच हो रहा है, तो ये मैंने लिया था, लेकिन दूसरी शॉप से ये मैंने लिया था। और ये भी बखूर जलाने वाला, ये सारी चीज़ें आपस में मैच हो रही है। तो मैंने मतलब ये चीज़ें मैंने अलग शॉप से ली है फैमिली डिस्काउंट से, ये मैंने दूसरी शॉप से ली है। असल में मैंने मिरर के साथ मैचिंग करने के लिए मैंने ये कुशन्स लिए हैं, और फिर जब मैंने ये कुशन्स लिए हैं तो फिर क्योंकि मैंने ये देखे थे दूसरे शॉप में, मुझे लगा कि ये बिल्कुल इसके साथ मैच हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये भी लिया था। ये 5 रियाल का था, 5 रियाल वाली शॉप से ली थी। वहाँ पर भी एक टूर करा दूँगी, बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। और ये भी सेम उसी शॉप से लिया था, ये भी मैच हो रहा है, उसमें भी अरबी कैलीग्राफी है। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया में एज़ अ फॉरेनर्स हम बहुत अनसर्टेन लाइफ गुजार रहे हैं यहाँ पर, जब तक इस मुल्क में हमारा रिस्क लिखा हुआ है। तो ये था हमारा इस वीकेंड का व्लॉग, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।